नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्पल के सारे मोबाइल के बारे में, जो कि गाइस आईएसओ 15 सभी ज्यादा के मोबाइलों में सभी में आया अपडेट और उसमें क्या सबसे ज्यादा खास आया। तो गाइस आज जो बात करेंगे फेस टाइम के बारे में बात करेंगे और फेस टाइम कैसे चेंज हो चुका है पूरी, मतलब मेन हाईलाइट बोल सकते हैं आईएसओ 15 में फेस टाइम और क्या क्या नया मिलता है आपको। और गाइस क्या मतलब इंडियन गवर्नमेंट्स या बात करें वर्ल्ड वाइड क्या चेंज आया गवर्नमेंट रूल्स के वजह से। सबसे पहले बात करें इसमें जो आपको मिलता है शेयर प्ले मिलता है। शेयर प्ले में आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि जब आप फेस टाइम पे कॉलिंग कर रहे हैं, मतलब किसी से बात कर रहे हैं, तो आप मतलब इंटायर थिंग आप शेयर कर सकते हैं मोबाइल की। जैसे ही गाइस बात करें आप मूवी देख रहे हैं तो जरूरी नहीं आप अकेले मूवी देख के बोर होते हैं तो किसी दोस्त को भी ऐड कर लीजिए, तो मतलब फेस टाइम में वो भी वो मूवी देख पाएगा और उसकी भी मतलब उसकी डिस्प्ले रहेगी और आप अपनी डिस्प्ले भी शेयर कर पाएंगे। तो मतलब सबसे अच्छी बात यह है कोई मूवी का सीन मतलब हंसी वाला होता है मजाक वाला होता है तो उसमें दोनों एंजॉय कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के साथ करें, अपने वाइफ के साथ भी कर सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें टीवी शो भी, मतलब लड़कियों के साथ कभी शेयर मत करना, मतलब बहुत ज्यादा पकाने वाले टीवी सीरियल देखे जाते हैं। और बात करें म्यूजिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है यार, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, म्यूजिक भी फेस टाइम के जरिए आप शेयर कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब आप ये सब मतलब मूवी हो गए या टीवी शो हो गए या म्यूजिक हो गया तब आप शेयर कर रहे हैं, अचानक से आप बोल दे तो जो पीछे बैकग्राउंड नॉइज मतलब आवाज है जैसे कि मूवी की है तो वो डाउन हो जाएगी और आपकी वॉइस एक्टिव हो जाएगी और वो मतलब मेनली वॉइस हो जाएगी। तो ये वॉइस डिटेक्शन जो है फेस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा इंक्रीज किया गया है, सारे मोबाइलों में फीचर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर हम बात करें आईफोन 13 में मिलेगा, सब में मिलेगा। और गाइज म्यूजिक कंट्रोल कर पाएंगे अलग अलग सिचुएशन में, जैसे कि आपको थोड़ा लाउड सुनना है या उन्हें थोड़ा सा हल्का सुनना है थर्ड सेकंड पर्सन को, और यही बात आप ग्रुप में भी कंपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें स्पेशल साउंड, मतलब SPATIAL मेरी प्रेजेंटेशन के हिसाब से स्पेशल हो जाता है और स्पेशल अलग चीज हो गई, स्पेशल अलग चीज हो गई और आपकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से शायद कुछ अलग हो। तो गाइज इसमें मेनली इफेक्ट किस चीज का है, जैसे कि गाइज जैसे ही आप बहुत सारे लोग होते हैं सब बोलना शुरू कर दे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन गाइज एक एक भी बोलता है सब भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि वीडियो कॉल की कौन बोल रहा है ग्रुप में। तो यहाँ पे जो है एक तो अभी बहुत सारी चीज आगे डिस्कस करने वाला हूं मैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो जो बोलेगा एक तो वो हाईलाइट हो जाएगी और उसके पीछे मतलब फोटो के पीछे जिसकी जो वीडियो आ रही है उसके पीछे साउंड सिस्टम आने लगेगा कि ये पार्टिकुलर बंदा बोल रहा है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि पता चल एटलीस्ट पता तो चले ग्रुप में बोल कौन रहा है, ऑडियो साइन। तो जो दोस्तों बात करें इसमें जो आपको मिल जाता है एक ग्रिप पैटर्न मिल जाता है फेस कॉलिंग के टाइम, कि एक तो सब लोग तब मर्ज होते हैं ग्रुप में, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार एक्चुअली कौन वॉइस कर रहा है, तो वो है एक इसमें आपको ये मिल जाता है ग्रिप का, कि इस बार जो ग्रिप दी है वो अलग अलग तरीके से दी है कि फ्री स्टाइल ग्रिप भी दी, जरूरी नहीं है कि आपकी जो ऑटोमेटिकली की सेट हो जाए फेस टाइम वो कर दे, वो नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उसे बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं ग्रिप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब यह है टोटल मिला के जो फोटो है या फ्री स्टाइल रख सकते हैं मोबाइल को हिलाएंगे तो वो जो सारे ग्रुप के लोग हैं वो भी इधर उधर स्क्रीन पे डोलते फिरते रहेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया वॉइस कैसे डिटेक्ट होगी स्पेशल ऑडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, पता चलेगा एटलीस्ट ग्रुप में कौन बात कर रहा है। और बात करें तब आप बात कर रहे हैं पीछे से कोई नॉइज आ रही है तो उसका क्या, जैसे ग्रुप में सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम यही होती है तब ग्रुप कॉलिंग की जाती है तो किसी का पंखा ऑन है ची ची, किसी की गाड़ी आसपास गाड़ी या ट्रैफिक रहता है पी पी पी, तो वो कैसे, तो गाइस मतलब आप नहीं बोल रहे हैं तो फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आपकी जो नॉइज है बिल्कुल साइलेंट कर देगा, लेकिन किसी केस में आप अचानक से बोल जाते हैं और आपको डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे ANC मतलब एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वर्क करेगा और जैसे ही आप बोलेंगे तो उसे फिल्टर करके तुरंत ही भेजेगा, तो ये प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही कम रहेगा और आपकी ऑडियो जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर जाएगी ड्यूरिंग द फेस टाइम वीडियो कॉल। तो गाइस सारे कुछ अभी तक फेस टाइम वीडियो कॉल के अंदर बात कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने बोला था गवर्नमेंट के न्यू रूल्स के हिसाब से इस बार थोड़ा सा एप्पल ने अपने आप को मॉडिफाई किया है, तो फेस टाइम जो था आज तक सिर्फ एप्पल के मोबाइलों तक ही सीमित था, आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन गाइस यहाँ पे तब से बात करें कोरोना के वजह से ज्यादा का मीटिंग विजुअलाइज होने लगी, लोग आपस में मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दिया और किसी से डिस्कशन लेना भी बंद कर दिया, डायरेक्टली अब वीडियो कॉल चल जाती है।
तो तब वीडियो कॉल होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, हर किसी के पास आईफोन हो, हर किसी के पास आईमैक हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो गाइस इंडियन रूल्स के हिसाब से भी, और बात करें और वर्ल्ड वाइड में, यही कहा गया था कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। आप क्यों डायरेक्टली प्रमोट करते हैं कि फेस टाइम चलाना है तो आपको एप्पल का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो गाइस जो अब अपडेट आया है वो कुछ नया आया है। तो मतलब आप वेब लिंक, मतलब आप तो वीडियो कॉल कर रहे हैं, ग्रुप में वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उसका एक लिंक जनरेट कर सकते हैं। वो लिंक जिस जिसको भी ऐड करना है वो डायरेक्टली कर लेगा। जिनके पास एप्पल मोबाइल है वो डायरेक्टली फेस ऐप पे ऐड हो जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो क्रोम ब्राउजर में, या मतलब किसी भी यूसी ब्राउजर तक में आप डायरेक्टली ओपन ओपन करके उसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन गाइस सिक्योरिटी पर्पज से एप्पल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, इसलिए कोई ऐसा ब्राउजर है जिसपे वायरस का कोई अटैक है तो वहां पे डिटेक्शन आ जाएगा, तो वहां पे ओपन नहीं होगा। लेकिन बात करें आपका नॉर्मल वायरस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं है, तो नॉर्मल आप फेस टाइम पे कनेक्ट हो जाते हैं, और आपका एंड्रॉइड का कोई सा भी वर्जन, डजंट मैटर आप लैपटॉप पे बैठे हो, विंडो के या डेस्कटॉप पे बैठे हो, तो वहां से भी आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे फेस टाइम पे। तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शन थी आपको एप्पल का प्रोडक्ट ही चाहिए, वो फाइनली तौर पे खत्म कर दिए। और दोस्तों कुछ नए इमोजी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि गाइस आपने फोटो के जरिए देख ही लिए होंगे। तो गाइस ये टोटल फेस टाइम के अंदर आया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको सब कुछ अच्छे लगे होंगे इसके फीचर। और कोई रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मेरे जरिए ले सकते हैं कमेंट के, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो भी प्रॉब्लम रही हो वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।